हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है विनय, आप देख रहे हैं आस्टा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शोमी के रेडमी 6, 6A और 6 प्रो के बारे में। सो गाइस, जो शोमी के तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे इंडिया में, जो 5 सितंबर को लॉन्च किए जाएंगे। सो जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, जो मनु कुमार जैन जी ने किया हुआ है, देश के नए स्मार्टफोन मी फैंस वी गॉट ए मोर देन वन फॉर यू कमिंग वेरी सून। सो गाइस, देश के नए स्मार्टफोन आने वाले हैं जो काफ़ी बजट हो गए, और ये रेडमी 6 सीरीज है जो चाइना में रिसेंटली लॉन्च की गई थी, बट ये काफ़ी लेट इंडिया में लॉन्च किए जा रहे हैं। सो गाइस, इसके बारे में बात करें कि इसमें आपको क्या खास देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, मैं आपको बता दें कि जो Redmi 6 है वो एक बजट स्मार्टफोन होगा जो अपग्रेडेबल होगा Redmi 5A के। Redmi 5 है Xiaomi का, वो अपग्रेडेबल होगा Redmi 6 में। सो जो Redmi का 6 Pro है वो इंडिया में न्यू लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जो पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था वो Redmi 5 और 5A लॉन्च किया गया था। अब आपको Redmi 6 Pro भी देखने के लिए मिलेगा, तो क्या जिसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। जो चाइना में इन्होंने प्राइस रखी थी, 6 की प्राइस है वो 8400 है। इसमें आपको 3GB की रैम, 2GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। सो क्या इसमें आपको एक और वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा Redmi 6 में, जिसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी, जिसकी प्राइस इन्होंने चाइना में 10,500 रखी गई थी। सो क्या इसके बारे में बात करें Redmi 6 की, जो एक बजट स्मार्टफोन होगा। सो क्या इसमें जो आपको 2GB की रैम, 16GB इसकी इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा, जिसकी प्राइस 6300 है। सो क्या इंडिया में इसकी प्राइस ये 6000 पे भी रख सकते हैं और 6500 भी रख सकते हैं। सो गाइस, Redmi 6 Pro की कीमत की बात करें, चाइना में तो ये तीन वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ था, एक 3GB रैम, 2GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस 10,400 है। सो गाइस, जो सेकंड वेरिएंट है उसमें आपको 4GB की रैम, 2GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, जिसकी प्राइस 12,500 है। सो गाइस, इसके बारे में इसमें आपको एक और वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, जिसकी प्राइस 13,600 है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। सो गाइस, जो Redmi 6 है उसमें आपको 5.45 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले में देखने के लिए मिलती है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको प्रोसेसर मिलता है वो MediaTek का P22 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। 3GB रैम, 4GB रैम के साथ ये वेरिएंट आएगा, जिसमें आपको 32GB की स्टोरेज और 64GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 12+5MP का डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, दोनों में ही आपको 1.25 micron pixel साइज दिया गया है। सो गाइस, इसमें आपको 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, इसमें आपको microSD कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया और ये 4G वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो 3000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। सो गाइस, जो Redmi 6 है इसमें आपको Android 8.1 Oreo देखने के लिए मिलेगा, तीनों स्मार्टफोन्स में आपको Android 8.1 Oreo देखने के लिए मिलेगा और ये MIUI 10 पर चलेंगे। सो गाइस, इसमें जो आपको स्क्रीन का साइज मिलेगा वो 5.45 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। सो गाइस, जो Redmi 6 में आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो MediaTek का A22 चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, और इसमें आपको 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, इसमें जो आपको बैटरी मिलेगी वो 3000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको कैमरा मिलेगा वो 13MP का रियर कैमरा मिलेगा अपर्चर F2.2 के साथ, और इसमें आपको 5MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको पोर्ट्रेट सेल्फी मोड भी ले सकते हो और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। 6A में आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं Redmi 6 Pro की स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो जो Redmi 6 Pro Android 8.1 Oreo देखने के लिए मिलेगा, जो MIUI 10 पर चलेगा। चाइना में ये MIUI 9 के साथ लॉन्च हुआ था, बट इंडिया में आपको MIUI 10 बेस्ड रोम देखने के लिए मिलेगी। सो इसमें आपको जो डिस्प्ले का साइज मिलता है वो 5.84 इंचेस की फुल HD+ की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको प्रोसेसर मिलता है वो वही इनका घटिया सा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी आउटडेटेड है। इसे हम घटिया नहीं कह सकते, बट ये काफ़ी आउटडेटेड है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2GHz है। इसमें जो आपको GPU मिलता है Adreno का 506 देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, 4GB रैम, 32GB स्टोरेज, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। सो गाइस, Redmi 6 Pro में आपको 12+5MP का डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको PDF LD फ्लैश के साथ ये कैमरा आता है। इसमें आपको 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आपको AI पोर्ट्रेट मोड और HDR मोड से लेस होगा। उसके इसमें आपको 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसमें आप पोर्ट्रेट मोड शॉट्स ले सकते हो। Redmi 6 Pro में आपको microSD कार्ड का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप microSD कार्ड के द्वारा स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो 256GB तक। इसमें आपको 4G वोल्टी का ऑप्शन भी दिया गया, और इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो काफ़ी अच्छी बैटरी मिलती है, क्योंकि इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। यही आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है तीनों स्मार्टफोन में। सो गाइस, देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है। सो गाइस, 5 सितंबर को ये लॉन्च किया जाएगा इंडिया में, दिल्ली में एक इवेंट होगा जिसमें ये तीनों स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। सो गाइस, देखते हैं कि किस प्राइस के साथ ये इंडिया में लॉन्च होते हैं। अगर ये चाइना की सेम प्राइस के साथ लॉन्च होते हैं तो काफ़ी अच्छी होगी। मेरे हिसाब से जो इसमें आपको सबसे अच्छा फोन देखने के लिए मिलता है वो Redmi 6 Pro है, और 6 से भी अच्छा हो सकता है। और जो Redmi 6 है वो फालतू का स्मार्टफोन है, बट जो Redmi 6 Pro है वो अच्छा स्मार्टफोन है, बट उसमें आपको प्रोसेसर आउटडेटेड देखने के लिए मिलता है, और जो 6 से है उसमें आपको काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ ये लॉन्च किया जा सकता है। सो गाइस, बस मैंने ये बताना था। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ लगे बेल को जोर से दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू।